अंशरी तुम्हारे बगैर मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा, मुझे छोड़कर मत जाना। ए लग दी लाहौर दिया, ए लग दी पंजाब दिया, ओए दा पता करो केड़े शहर दिया। ये अंजलि कहां से आ गई भाई, अंजलि कहां से आ गई? एक मोहब्बत है, एक प्यार है, एक उनू बटोन दा जरिया है, ओदे नाल प्यार करांगे दोबारा आएगी। अच्छा कितनी देर पहले अंजलि तुहानू मिली थी, जिहड़ी हजे तक नहीं मिल रही है? अंजलि मुझे जवानी में मिली थी पर गायब हो गई है। सारे दो नंबर अमेरिका के पुट्ठू हैं। ओ तेरी बहस। और भाई सारे खली बली कर दिए गाली निकाल के भाई ने, क्योंकि ये भाई भी जिस तरह बहुत सारे लोग परेशान हैं महंगाई की दलदल में आके फंस गए हैं, ये भाई भी अपने आप को उसी दलदल में फंसा चुके हैं। बंदा खा खा के नचुकरा जे, ए शुक्र ज्यादा नहीं अदा करता, एदी क्वालिटी बड़ी घटिया जे, खा खा के भुखा। फ्री 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 सज्जना दे नाल वैरियां ने रोना ही 500 दियां दो। हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद जुबैर और आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल जुबैर वतनी। इस वक्त हम फैसलाबाद में मौजूद हैं और आप हमारे अकब में देख सकते हैं घंटाघर है। ईद आने वाली है और लोगों की ओपिनियन जानेंगे कि ईद के दौरान उन्होंने क्या क्या शॉपिंग कर ली, और पाकिस्तान की जो सबसे बल्कि एशिया की जो सबसे बड़ी भाई मंडी है फैसलाबाद, कपड़े की मंडी है। इधर हम आपको लोगों को दिखाएंगे लोग क्या चीज़ ले रहे हैं और क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं, और चीज़ों के जो रेट हैं वो कम हुए हैं कि उसी पीक लेवल पे चल रहे हैं। इस वक्त आप हमारे साथ देख सकते हैं भाई, नाम भूल गया फिर भी पूछ लेते हैं, ये क्या चीज़ है? नारियल, सॉरी नारियल मौजूद है। नारियल का रेट पता करते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर नारियल दिया जा रहा है भाई कितने का दिया जा रहा है। सुनने में ये आया है कि जब रमजान एंडिंग पे चलेगा तो चीज़ों के रेट कम हो जाएंगे, देखते हैं कि कम हुए कि नहीं हुए। भाई जान कौन बेच रहा है भाई, आ जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? यकूब। यकूब, अच्छा मजे की बात है ना, यकूब भाई की स्माइल। अस्सलाम वालेकुम जी। सुभान अल्लाह, ये सब तुम्हारा करम आका के बाद तब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह। उम्र मेरी 78 साल आ, ए लग दी लाहौर दिया, एदा पता करो केड़े शहर दिया। फ्री सिर्फ आका दे गुलाम, ओए अज चल गई आई काली कमली वाले दे गुलामा नु खैर पैनी और किसे नहीं पैनी। जनाब ये सीन ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन, आपको बताया कि हमने जो रिसेंटली भी वीडियो बनाई हुई थी उसके ऊपर भी हमने ये चीज़ एक्सप्लोर की थी कि फैसलाबाद के अंदर चीज़ों की जो प्राइसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। फैसलाबाद की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर चीज़ों की प्राइसेज ज़्यादा हैं। इस तरह इस भाई के नारियल की जो प्राइस है ये इनकी तरफ से कम है, बाकी पाकिस्तान के अंदर जो नारियल की प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नारियल की फसल उगाई नहीं जाती, नारियल की फसल नहीं होती भाई, इसलिए आउट ऑफ कंट्री से नारियल इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। जिस तरह इंडिया की बात कर लें, इंडिया में बहुत ज़्यादा नारियल होते हैं। इस वक्त हम कचहरी बाजार में जाएंगे और लोगों के ओपिनियन जानेंगे कि भाई रमज़ान एंड चल रहा है, महंगाई में कमी आई कि नहीं आई, और क्या क्या चीज़ें इस वक्त कचहरी बाजार के अंदर मौजूद है। लोगों से हल्की सी गपशप करेंगे। जितने भी हमारे फॉलोअर हैं वो भाई जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। आज काली कमली वाले थे गुलामा ने आना ही 500 दियां दो वापस भी चेंज भी, ए लग दी लाहौर दिया, ए लग दी पंजाब दिया, ओए दा पता करो केड़े शहर दिया। फ्री फ्री सज्जना दे नाल वैरियां ने रोना ही एक नंबर माल, रमजान तो बाद एक बड़ा वड्डा गांगा माउना, ऊंठा ले तुर जानगे तेरा लुटिया शहर पमोर नी सचिए बेर खबरे। हमारा व्लॉगर भाई इस वक्त चल भी रहे हैं। गाइस अभी हम लोग भाई के साथ मिले हुए हैं, हमारा चैनल का नाम है स्टेट व्लॉगर 79। क्या नाम है आपका? आतफ। आतफ असलम जी भाई। आतफ असलम नहीं, आतफ आरफ। अच्छा अकेला आतफ, क्या सेल कर रहे हैं? ये जूते शूज सेल करो आप। तो मैंने कहा कब का अकेले सेल कर रहे हैं भाई, पता ही है मेरे। अच्छा ठीक है, कितने का जूता सेल कर रहे हैं? मुख्तलिफ रेट है, कोई 1000 का, कोई 500 का, कोई 700। सबसे जो कम जूते का रेट है वो कौन सा है, कितने का है? सबसे कम बच्चे वाला 330 का है, 1 साल के बच्चे। जो बड़े वाला, जो बड़े वाला बड़े भाई ने पहना हो या बड़े आदमी ने पहना हो वो कितने का है? वो ये यहाँ पे जूता हम 700-800 का दे देते, दुकान वाले 2500-3000 का वो सेल करते। दुकान वाले इतना महंगा क्यों देते हैं भाई? उन्हें 2-2 लाख रुपया किराया, टैक्स उनका, बस शीशे में लगा होता इतना फर्क होता। रमजान गुजर रहा है, कैसी फीलिंग आ गई है कि भाई रमजान की एंडिंग चल रही है और कैसा फील हो रहा है? अच्छा शुक्र अल्लाह का, खुश नसीबी हमने रमजान देखा इस दफा, लेकिन लेकिन काम का कोई मजा नहीं है। काम का कोई मजा नहीं है। काम का हुक्मरान क्या कर रहे हैं कि मजा करवा रहे हैं काम के लिहाज से? सारे दो नंबर अमेरिका के पुट्ठू हैं। वो तेरी बहस। और भाई सारे खली बली कर दिए गाली निकाल के भाई ने, क्योंकि ये भाई भी जिस तरह बहुत सारे लोग परेशान हैं महंगाई की दलदल में आके फंस गए हैं, ये भाई भी अपने आप को उसी दलदल में फंसा चुके हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन महंगाई जो है वो ऊपर बढ़ती चली जा रही है, और ये शुरू से ऐसी बढ़ती चली जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। तो भाई चलते हैं और पब्लिक की तरफ, उनके जानते हैं रिव्यूज़। हाँ जी, हाँ जी, कौन सी बात?
इन सब हुक्मरानों को कहता फलस्तीन के बारे में कुछ बेहतर सोचने के लिए जल्द कोई फैसला किया जाए। बहुत अच्छी भाई ने बात की है भाई। यकीन मानो कि जिस तरह पूरी दुनिया को दुख है, हमारे मुसलमान भाइयों को जो इंसानियत को समझते हैं, जिस तरह उनको दुख है, इस तरह जो फलस्तीन के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं जो शहीद हो रहे हैं, उनके लिए सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा लोग कम कर गए हैं, आवाज़ उठाना बंद हो गई है। पता नहीं मेरे चैनल पर ये वीडियो जो मैंने फलस्तीन के ऊपर बात की है वीडियो चलेगी नहीं चलेगी, लोग सपोर्ट भी आ सकती है इस वीडियो के ऊपर, बहरहाल मुझे इस चीज़ का डर नहीं है। मुझे हम सपोर्ट करते हैं भाई फलस्तीन को, क्योंकि आपको पता है कि गाज़ा के ऊपर ना तो उधर पानी है, ना तो उधर ना उधर खाने के लिए कुछ है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर लोग बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ ईदी मनाएंगे, बच्चों को ईदी देंगे, एक नज़र अगर हम फलस्तीन के ऊपर रखें, उनके बच्चे भी हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों की ईदें वगैरह मनानी है, जब उनके प्यारे ही नहीं उनके पास रहे, वो बच्चे कैसे अपनी ईद मनाएंगे। क्यामत से पहले है, क्यामत है यार, उधर देखो मेरी दुनिया लुटी जा रही है, मैं खामोश हाँ, मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं ना तावन करो, मेरा कोई कारोबार नहीं जाएगा, दो चार हजार का कमान आ, मैं ना किसी को मांगता, ना मेरी गल आ, मेरी गल काली कमली वाले दे गुलामा ना मां और किसी ना नहीं, बंदा खा खा के नशुकरा जे, ए शुक्र अल्लाह नहीं अदा करता, एदी क्वालिटी बड़ी घटिया जे, खा खा के भुखा, फ्री 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 सज्जना दे नाल वैरियां ने रोना ही 500 दियां दो। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बात अब तक बनी, मैं ना तावन करो, मेरा कोई कारोबार देगा, सारे आले दुआले ड्रामे गीर ने, ये सब तुम्हारा कर्म आका के बात तब तक बनी हुई है, ये मेरी जिंदगी अंचली मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदगी गुजारूंगा, अकेला रह जाऊंगा, ईद के बाद बहुत बड़ी एक क़यामत आने वाली है, तुम्हें पता चल जाएगा, ये दुबे का ड्रामा देखने वाले आप ड्रामा बन जाएंगे। ले जनाब चाचा जी, आपने मार्केटिंग चेक की है, कचहरी बाजार के अंदर जब आएंगे चाचा जी का स्टॉल देखेंगे, छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है, मेरा कोई कारोबार नहीं, स्टॉल लगेंगे भाई चाचा जी, इस वक्त शर्टें वगैरह सेल कर रहे हैं, शर्टें वगैरह सेल के इनका यही गुजर बसर है, इनसे जानते हैं कि भाई कितने एक दिन में पैसे कमा लेते हो, जितने भी ऑडियंस हमारी देख रही है अगर इनकी कोई हेल्प करना चाहे तो भाई लाजमी इनकी हेल्प करनी है, क्या ताकि इन्होंने हमें बोला था कि अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहते हैं, अंगूठियाँ वगैरह सेल कर रहे हैं, कितने की सेल कर रहे हैं? 150 की, वो भाई चांदी की अंगूठी फैसलाबाद के अंदर भाई इतनी सस्ती, क्या वजह है, भुट्टो के दौर में आ गए हम, जैद मुनासिब जो रेट लगाया हुआ है, भाई चल ईद देख सकते हैं कि इस चाचा जी की जो सब दा पला सब भी खैर चाना चाचा जी, हम चेक करें इस वक्त इन चाचा जी को देखने के लिए ऑडियंस भी काफी मौजूद है, अगर अली भाई जी का छोड़ कर मत जाना, अंजलि कहाँ से आ गई भाई, अंजलि कहाँ से आ गई, एक ड्रामा वहाँ, अंजलि तुम्हारे बगैर मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा, मुझे छोड़ कर मत जाना, मेरी 78 साल उम्र है, मेरे कमाने वाला कोई नहीं है, तुसी काली कमली वाले दे गुलाम हो, ये अंजलि कहाँ से आ गई भाई, अंजलि कहाँ से आ गई, एक मोहब्बत है, एक प्यार है, एक उन्हें बटोन का जरिया, ओदे नाल प्यार करेंगे दोबारा आएगी। अच्छा कितनी देर पहले अंजलि तुहानू मिली थी, जिहड़ी हजे तक नहीं मिल रही है? अंजलि मुझे जवानी में मिली थी पर गायब हो गई है, गायब हो गई है, उम्मीद है कि जल्दी मिल जाएगी या बस अब गायब हो गई, फारिग हो चुकी है, अब मैं अकेला रह चुका हूँ, आज हम तुसी कल्ले रहने हो, कल्ला रहना भाई, बाबा नूरशाह वाली कर दे पलियो पली, लंगर आना स्टार्ट हो गया, नूरशाह वाली कर दे पलियो पली, फ्रेश माल गंज बख्शे फैज़े आलम मजगरे नूरे खुदा, ना कि सारा पीर कामल कामला दरा, सदका पंजा ते 12 14 मसूमा दा, सब दा भला सब दी खैर, सज्जना दे नाल ओए वैरियां ने रोना ही, फ्री 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 500 दियां दो। भाई यकीन करो चाचा जी के पास आप मुझे आके खुद वर्ड भूल गया, जो मैं सोच गया सारा ही भूल गया, इतनी ऊंची बात से माशाल्लाह इन्होंने जो बयानात की हैं अपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या नाम है आपका? यूनस खान भाई। यूनस खान, यूनस भाई रमजान गुजर रहे हैं, चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं कि वैसे ही? नहीं कीमत वैसी है भाई, वैसी ही कम नहीं हुआ, मज़ा नहीं आ रहा, शुक्र है चल रहा है। कितनी की सुबह की सेल की है आपने? ये शुगर है भाईजान, होता है 10-15 पीस सेल होता है, 10-15 सेल कर लिए, कितने की बेच रहे हैं? एक मुख्तलिफ प्राइस है भाईजान, इसमें 1000 वाला, 1200, 1500, 1800, 2000 का। अच्छा पठानों की मैंने एक बात खासियत मशहूर है पठान भाई, अभी भी ये हमारे सुनने में आते हैं कि 2000 की चीज़ 500 में बेच देते हैं, अभी भी वैसा वक्त चल रहा है या नहीं चल रहा? नहीं अभी वो पठान नहीं है,
वो चला गया, वो पहले पठान कहता था, अभी वो पठान नहीं है, अभी फिक्स रेट है। अभी फिक्स रेट है। पाकिस्तान का सही टैलेंट इस वक्त कचहरी बाजार के अंदर मौजूद है। 160 जो टिकटॉक के ऊपर वायरल हो रहा है भाई, 500 के अंदर कितनी दे रही है? 500 की दो वापस भी, चेंज भी 500 के अंदर दो मिल रही है भाई, 500 के अंदर दो वापस भी आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। पैसे भी ले जाओ, पैसे भी ले जाओ, वापस भी चेंज भी। भाई जितनी भी हमारी ऑडियंस हमें वॉच कर रही है तो चाचा जी से जरूर रब्ता करना है। तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाचा जी से आगे लाजमी आपने रब्ता करना है। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के लिए। पीस आउट।